दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज को, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, हमारी जो वीडियो है, इसमें आपको आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने फेसबुक पे मार्केटिंग किस तरह करनी है, सोशल मीडिया के टूल्स को कैसे यूज़ करना है मार्केटिंग के लिए। तो आज ये जो स्पेशली वीडियो है, ये रिलेटेड है कि आपने फॉर सेज पे रहते हुए कैसे डिटेल्स लेनी है फेसबुक से। तो जल्दी से चलते हैं अपनी फेसबुक पे। फेसबुक पे जाने के बाद आपकी आईडी इस तरह आपके सामने शो होगी। आईडी आपकी शो होगी तो आपने क्या करना है, आपकी आईडी यहाँ पे न्यू है, न्यू आईडी होनी चाहिए, ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप पुरानी को यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो बेशक आप उसको यूज़ करें। इस तरह की आईडी आपके सामने होगी तो सिंपली आपने करना क्या है कि ये जो थ्री डॉट्स बने हुए यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने दो चीज़ें करनी है, एडिट पर और टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, यहाँ से जो आप जो दो चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह का आईडी आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से आप चीज़ें एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लें, कवर फोटो भी अपना यहाँ पे आप लगा लें, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे जी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, बायो में आके ये जो बायो है आपकी, ये भी आप लिख लेंगे। और इसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपने इनको भी लिख लेना है, ठीक है, इनको आपने एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, ये चीज़ें नेसेसरी हैं, ज़रा आपने करनी है। इसके बाद यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, आपका होगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, यहाँ पे से आपने प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेना है, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह की चीज़ आ जाएगी ये, ठीक है, प्रोमोट सी डैशबोर्ड, ये प्रोफेशनल मोड जब ऑन हो जाएगा उसके बाद आएंगी, ठीक है, ये आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली करना है यहाँ पर कुछ पोस्ट वगैरह लगानी है, डेली आपकी आईडी ग्रो करेगी, ठीक है। पोस्ट लगाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा कि लोगों के पास आपकी जो है ना वो जाएगी आईडी, तो वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो आपने उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने पोस्ट कैसे लगानी है आपको ये मैं बताता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपकी जो है पोस्ट लग जाएगी, बताते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर पोस्ट लगा लेनी है, कौन सी लगानी है बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे, जो भी आपको पोस्ट पसंद है जो आप लगाना चाह रहे हैं, मैं ये वाले लगा देता हूँ जी, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरह की पोस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लिखना कैसे है देखें, मैंने किधर क्लिक किया था ज़रा ये चेक करें, यहाँ पर सिंपली इस जो फ़ोटो है इस पर टच किया तो ये आपको ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं टाइपिंग पे ही जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डे अर्निंग डायरेक्ट पार्टनर, डायरेक्ट पार्टनर की 3100 PKR, ठीक है। लिखिए इसको, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, छोटा करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया, और इसके बाद मैं करता हूँ जी नेक्स्ट कर लेता हूँ, डन करूँगा, ये आ गई। इसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ लिखना है, ये इसे क्या कहते हैं जी, ऊपर आपने कुछ लिखना है, इसकी हेडिंग वगैरह, अपनी ये जो पिक्चर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं लिखूँगा, मैं ये लिख लेता हूँ जी, मैं ये लिखूँगा। इसके बाद आप यहाँ से ना लोगों को टैग भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे ब्लू कलर का निशान है, जो भी आपके सामने है टैग कर दें, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जिसको दिल करता है कर लें। अच्छा, जितने लोगों को ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी फ़ायदा भी होगा इसका, ठीक है। अच्छा, मैं इनको टैग कर लेता हूँ, टैग करने के बाद जो है मैक्सिमम लोगों को कर लेते हैं, कोई भी लोग आप रेंडमली सेलेक्ट कर लें, जो भी आपके हैं फ्रेंड्स में। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको टैग करना है, टैग करने के बाद आपने चलो इन दो तीन और करते हैं, फिर बहुत है। अच्छा, हो गए टैग जी, अब एक स्टेप बैक करेंगे, 95% को हमने टैग कर लिया है, और इसके बाद आप यहाँ पर लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी, ठीक है, रावलपिंडी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद जो है मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ये तरीका हो गया आपने अपनी आईडी को कैसे ग्रो करना है। इस तरह की डेली 3 से 4 पोस्ट आप लगाएंगे, आपकी आईडी बहुत ग्रो करेगी।
ठीक है, अभी आपके फ्रेंड्स नहीं है, न्यू आइडिया, तो आपने क्या करना है, खुद जाके ना लोगों के पास उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजनी है। कैसे भेजनी है, जहाँ पे आएंगे सिंपली किसी भी नाम को आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मोहम्मद मोहम्मद अहसन, ठीक है, ये मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, ऊपर आपने क्लिक करना है पीपल्स पे, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, एक मिनट दें ज़रा। अच्छा, मोहम्मद अहसन मैंने सर्च किया तो ये आपको ना ये ऊपर कुछ चीज़ें बताएगा, यहाँ पे आपने पीपल पे क्लिक करना है। ये बंदा है, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इसको भेजी, इसको भेजी, इसको इसको पाँच बंदों को भेजी, ठीक है, आठ दस बंदों को भेज देंगे। आपकी आईडी इस तरह की होनी चाहिए कि आठ दस बंदों को भेजें तो आपको 20-25 साल वेट करेंगे, ठीक है, अगर आपकी आईडी अच्छी होगी, प्रोफेशनल होगी तो। इस तरह आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्टें इस तरह लगानी है आपने अपनी आईडी में। इसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने ग्रुप्स कौन से ज्वाइन करने हैं, कैसे ज्वाइन करना है। सिंपली आपने ये जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको पहले नंबर पर नज़र आ रहा है ग्रुप्स, ग्रुप्स पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको ऊपर कुछ नज़र आ रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है, आपने करना है फॉर यू पे ही रहना, यहाँ पे सर्च करने हैं ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ बाय एंड सेल, ठीक है जी। अच्छा, ये आगे इस पर क्लिक किया, ठीक है, मैं इसमें ज्वाइन लूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं राइट समथिंग। अब आपने यहाँ पे पोस्ट कैसे लगानी है, एक मिनट ज़रा फिर से बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे ना तो ये लिखा आपको मिलेगा राइट समथिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ग्रुप पब्लिक होगा उसको आपने ज्वाइन करना है। जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक लिखा मिल रहा है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, इसका मतलब है कि आप जो भी पोस्ट लगाएंगे वो डायरेक्ट पब्लिक की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर ग्रुप प्राइवेट होगा तो वो पब्लिक की तरफ नहीं जाएगी, पहले एडमिन की तरफ जाएगी। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो भी आप डिस्क्रिप्शन लगाना चाहते हैं वो लगा लें। मैं लगाता हूँ जी, ये मैंने लगा ली, पोस्ट कर दी सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये देखें नीचे इंशाल्लाह ताला पोस्ट हो जाएगी, ज़रूरत नहीं है किसी भी अप्रूवल की। तो ये देखें पोस्ट हो चुकी है, पोस्ट हो चुकी है हमारी, जो हमने लगाना चाह रहे थे ग्रुप में। इस तरह के आप लगाएंगे तो पर्सन आपके पास आएंगे, आपने उनको टैग करना है, ठीक है, उनको आपने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ये इस तरह आप लगा सकते हैं अपने ग्रुप में पोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ज्वाइन था मेरे पास तो मैंने यहाँ पे पोस्ट लगा दी। आप क्या करेंगे, डेली 8-10 ग्रुप ज्वाइन करेंगे, 8-10 ग्रुप ज्वाइन करेंगे, एक दफ़ा नहीं कर रहे, थोड़े थोड़े टाइम बाद, दो तीन, एक दिन थोड़ी देर में किए, फिर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद, दो तीन फिर कर लिए, ठीक है। एक दिन में 8-10 ग्रुप ज्वाइन करने, और पोस्टें आपकी नई आइडिया तो एक वीक तक पोस्ट मत लगाएँ, एक वीक तक कोई पोस्ट ना लगाएं। सिंपली आप क्या करें कि जो भी है ना आपके, क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह अपने बढ़ाएं, और फ्रेंड्स बढ़ाएं अपने, पोस्टें वगैरह लगाएं, डेली 3-4 पोस्ट लगाएं, तो जो है ना आपकी आईडी ग्रो कर जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना नंबर भी मेंशन करना है। कोई भी बंदा आपके पास आता है तो आपने इसको क्या कहना है, नीचे अगर कोई कमेंट करता है तो आपने इसको सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आपका जो बिज़नेस व्हाट्सएप है उसका नंबर नीचे होना चाहिए, वो आपको बिज़नेस व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो आप उसको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं, रीसेलिंग वाले, और रीसेलिंग के अलावा आप यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग वाले, गेमिंग वाले, म्यूज़िक वाले, पोइट्री वाले, किसी भी पर्सन का नेम लिखें, उसके भी ग्रुप्स मिल जाते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी आप कर सकते हैं, किसी पर्सन की चैट में डायरेक्ट जाके भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, ये मैंने लगाया, इसके बाद ये जो भी मैंने लगाया था, ठीक है। अब जब मैंने इसको बूस्ट अनअवेलेबल, चलें इसको छोड़ दें, ये आपकी जो है ना, अब इसमें आप कैसे कर सकते हैं, अच्छा ज़रा ये लगाया मैंने, ये लिखा हुआ कौन कौन जाग रहा है, तो यहाँ पे नीचे हम कमेंट्स में जाते हैं, कमेंट्स में जाके हम इनको टैग कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके हम अपना जो है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम जाके अपना नीचे पोस्टर लगा देंगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है जी, ये लगा दिया। जो भी हमारे पास अब आना चाहा हमारा नंबर देख के आ जाएगा, इससे अच्छी डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे इस तरह काम कर सकते हैं सोशल मीडिया के टूल्स को यूज़ करते हुए, स्पेशली फेसबुक को। आपकी जो फ्रेंड्स होंगे आपने वो भी डेली एक्सेप्ट करनी है रिक्वेस्ट, जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ से रिस्पांस मिलेगा। नई आईडी पे आपको रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए लेकिन कोई ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। देखें, अब यहाँ पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, 1.7K, ठीक है, और 30 फॉलोइंग है, फ्रेंड्स भी मेरे काफ़ी हैं यहाँ पे, तो इसी वजह से मुझे यहाँ से इस आईडी से लीड मिल रही है। अगर आपके फ्रेंड्स 200-400 होंगे तो आपको लीड भी बहुत कम मिलेगी। और जो आपने डैशबोर्ड बनाया था, प्रोफेशनल किया था, उसका ये फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप सी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने लोग आए थे। आप देखें कितने लोग मेरे पास आए, 29,000 लोग मेरे पास इस मेरी आईडी पे आए, ठीक है।
फिर आप ना यहाँ इसके कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आपको नेक्स्ट बताएंगे, जिससे आपको यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं आप फेसबुक से। और इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी बायो वगैरह सेट करें, डेली पोस्ट रील्स अपलोड करें, अपनी स्टोरी को भी अपडेट रखें, ठीक है। स्टोरी भी आप लगा सकते हैं, कोई भी आपके पास अर्निंग प्रूफ होता है ना तो आप यहाँ पे जाके सिंपली अपनी स्टोरीज पे क्लिक करें, स्टोरी लगा दें, रील्स पे क्लिक करें तो यहाँ से आप रील भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपके लिए, ये मेरी 5 दिन आपके लिए नॉलेजफुल होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी जो फास्ट से रिलेटेड आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनको मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।